नमस्कार दोस्तों, दीपदक साइंस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आज डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, इसके पीछे हमने डिफरेंशिबिलिटी, कंटिन्यूटी ये सब चीज हमने पढ़ा है। अब हम अवकलज यानी कि अवकलज गुणांक ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। कुछ उसका स्टैंडर्ड फार्मूला है, बस उसी को हम आज देखेंगे। क्या तो dy by dx का मतलब क्या होता है, क्या होता है dy by dx? तो dy by dx क्या होता है कि जब हम लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल x माइनस एफ एक्स बाय ए डेल x करते हैं, तो इस चीज को जब हम लिमिट डालते हैं तो इसी चीज को हम dy by dx लिखते हैं। और यही उसका अवकलज उस फंक्शन का, अगर कोई फंक्शन y इक्वल्स एफ एक्स है तो इसका हम अवकलज कहते हैं। अब इसका संकेत क्या होता है dy by dx? तो dy by dx को या तो हम dy by dx में लिख सकते हैं, या फिर हमको d of y लिख सकते हैं, या फिर f dash x लिख सकते हैं, या फिर y dash लिख सकते हैं, या फिर y1 लिख सकते हैं। ये सभी एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। मतलब सभी का वही है कि y एक फंक्शन है, y equals fx, इस y को हम x के सापेक्ष क्या किए हैं, अवकलज किए हैं, मतलब डिफरेंशिएशन किए हैं। तो अवकलज ये होता है, और इस पूरे प्रोसेस को जब हम किसी फंक्शन के y equals fx फलन को x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करते हैं, तो उसमें जो पूरा प्रोसेस करते हैं उस चीज को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। और ये जो निकल के आता है ये अवकलज होता है या अवकलज गुणांक, जो वैल्यू आता है उस प्रोसेस को करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको हम कहते हैं अवकलज या अवकलज गुणांक। डेरिवेटिव कहिए या डेरिवेटिव कोफिशिएंट कीजिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहिए। तो ये संकेत है इसका कि क्या क्या चीज से हम लिख सकते हैं। तो dy by dx लिख सकते हैं, d of y लिख सकते हैं, f dash x लिख सकते हैं, f dash सिर्फ y dash लिख सकते हैं, या y1 लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ प्रमाणिक फलनों का अवकलज, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। अब स्टैंडर्ड फंक्शन में अगर हमको कहीं पे लिखा हुआ है कि y इक्वल्स x टू द पावर n है, तो इसको जब हम डेरिवेटिव करेंगे dy by dx, तो यहां भी हो जाएगा dy dx और यहां लग जाएगा x टू द पावर n। तो इस वैल्यू का डेरिवेटिव क्या आएगा, अवकलज गुणांक या अवकलज क्या होगा? तो इसके लिए हमने फार्मूला दिया है यहां पे, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला जा चुका है। ये होता है n x टू द पावर n माइनस 1, यानी कि जो इसका पावर होता है वो पहले आता है, उसके बाद पावर्स घटते जाते हैं। उसी तरह से और भी फंक्शंस है, सभी का हमने एक जगह फार्मूला लिख दिया है। यहां पे है log x, तो इसका होता है 1 by x, a टू द पावर x, जहां a कांस्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा a टू द पावर x log a, sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x, tan x है तो sec स्क्वायर x हो गया है, sec x का sec x * tan x है, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x है, cos x का माइनस cos x cot x है, sin इनवर्स x का 1 by root under 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इस दोनों में कॉस इनवर्स का क्या, तो सिर्फ इस वैल्यू वही है, सिर्फ इसमें माइनस आ गया है। टेन का भी इस तरह से 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और कॉट का सिर्फ उसमें माइनस लग जाता है। तो इस तरह से ये कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसका हमको आगे यूज करना होगा किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा इसमें जो यूज होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन भी आएगा, क्योंकि विदाउट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला अगर नहीं मालूम है तो हम किसी भी फंक्शन अक्षर हर एक फंक्शन का हम डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो कुछ हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला भी देख लेते हैं, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला जो यहाँ पे डेरिवेटिव में हमको यूज होता है, ज़्यादातर यूज करना पड़ता है, उसी को हम देखेंगे। साइन टू एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस टू एक्स का हम कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, इसको हम टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन भी लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस टू साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ कॉस टू एक्स के लिए होता है।
इसी सब इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, वन प्लस कॉस टू एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पे माइनस है तो साइन है, प्लस है तो कॉस है, बस इतना ही फर्क हुआ है। फिर थ्री साइन एक्स का थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यू एक्स होता है, और कॉस थ्री एक्स का फोर कॉस क्यू एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स। यहाँ पे बस फोर थ्री का चेंजेस है, ये फोर यहाँ गया, ये थ्री यहाँ गया, कन्वर्ट कर गया है टेन इनवर्स एक्स के लिए, तो इस तरह से आता है, और ये प्लस रहता है तो इस तरह से होता है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे हम लोग कि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये इंटीग्रेशन में बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा आएगा। तो इसका कोई जरूरी नहीं है कि टू एक्स दे, अगर इसमें इस तरह से दे दे कि वन माइनस कॉस एक्स है तो हम क्या लिखेंगे, तो आप यहां से समझेंगे। इस तरह का फॉर्मूला आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं, जितना मन करे उतना बनेगा, जो भी वैल्यू डालना है डाल सकते हैं। क्या होता है कि 1 माइनस कॉस 2x है, यहां पे हम ध्यान देंगे कि 2x है तो यहां पे वैल्यू क्या है, x है, 2x है तो x है, यानी कि हाफ हो रहा है, जस्ट हाफ। तो अगर यहां पे x है तो यहां पे क्या होगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, बस इतना ही करना है। अब इस हिसाब से अगर 1 माइनस कॉस यहां पे 4x अगर हो जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर 2x, क्योंकि 4 का हाफ क्या होता है 2, तो 2x हो जाएगा। इसी तरह से प्लस के लिए भी हम बना सकते हैं कि 1 प्लस कॉस x इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, बस एंगल को हाफ करना है। इस रिलेशन को आप हमेशा याद रखेंगे कि 2x है तो x हो रहा है, 2x है तो x हो रहा है, यानी कि अगर x डालेंगे तो हाफ होगा, 4x डालेंगे तो 2x हो जाएगा। तो इस तरह से 1 प्लस कॉस 2x, 4x करते हैं तो ये 2 कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो इस तरह से इस रिलेशन को आप जितना मन करे उतना में बार इसको सजा सकते हैं, लिख सकते हैं, और इस तरह से ये फार्मूला सब बनते जाता है। कुछ और भी फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का, उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आगे चैप्टर में आसान होगा। तो बस इतना ही इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं हम आपसे। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत होता है एक वीडियो बनाने में और सभी को फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।